को करें और फेफड़ों के मैं हूं डॉक्टर आयशा रियाज मैं पी एफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एस चेस्ट सर्जन एथोरसिक सर्जन के तौर पर काम कर रहे हैं न्यूमोथोरिक्स फेफड़ों के भरने के बहुत सारे काजेस हो सकते हैं जिसमें आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियसोरिक्स स्पॉटेनियस नीमोथॉरिक्स के दो टाइप्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथरिक्स से मुराद ऐसी निमोथॉरिक्स हैं जो बगैर किसी आ, लंग्स की बीमारी के अचानक किसी भी पेशेंट के साथ हो सकता है ये टाइप यंग में लोगों में और ऐसे लोगों में देखी गई हैं जो बहुत पतले होते हैं या उनकी हाइट ज़्यादा हो। होता ये है कि पेशेंट के लंग्स के ऊपर कुदरती तौर पे कुछ ब्लैब या बुले होते हैं या हवा की थैलियाँ होती हैं जो कि किसी वजह से फट जाती हैं और पेशेंट की फेफड़ों और चेस्ट वॉल के दरमियान हवा जमा शुरू हो जाती है जिससे पेशेंट का सांस फूलता है उसको सांस लेने में दर्द होती है और एक्सट्रीम सिचुएशन में ये कंडीशन पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो है तो एज फर्स्ट एड ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक चेस्ट ट्यूब डाली जाती है जो कि हवा को चेस्ट से निकालती है ट्रेशन का रंग वापस पूरी जाकर ज़्यादातर दा लोगों में ये देखा गया है कि फोर्टी फिफ्टी परसेंट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो तो कि चेस्ट ट्यूब के साथ ही अपनी फर्स्ट एपिसोड में रिकवर कर जा लेकिन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये एपिसोड या तो एक दफ़ा से ज्यादा दफ़ा भी हो सकती है और दूसरा ये भी होता है कि फेफड़ा ट्यूब डालने के बाद अपनी जगह पर फूल वापस नहीं आता या उसमें से एयर लीक होती रहती जब इस स्टेट पे जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इनमें थरेसिक सर्जरी करो कि क्लियर किया जाता है कि हम वीडियो असिस्टेंट थ्रेसिक सर्जरी से, से कैमरे इंस्ट्रूमेंट से छोटे छोटे होल से अंदर जाते हैं और जहाँ से फेफड़ा पंक्चर्ड होता है या लीक कर रहा होता है उस एरिया को हम स्टेपलर से सीन कर देते हैं और दूसरा स्टेप सर्जरी में ये किया जाता है कि फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली है जो के फसलियों की अंदर वाली साइड पर लगी होती है उस झिल्ली को हम उतार देते हैं इस तरह फेफड़ा तस्लियों के साथ जा कर चिपक जाता है तो वो खाली जगह ही मौजूद नहीं रहती जहाँ पे हवा बार बार जमा हो सके ये बहुत ही सिंपल uh, सर्जरी है पहले ये सर्जरी ओपन टेक्निक से की जाती थी जो कि पेशेंट के लिए बड़ी सम और पेनफुल हुआ करती थी लेकिन अब ये uh, ऐसी सर्जरी है जिसमें पेशेंट एक से दो दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और हफ्ते दस दिन में वो अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ पेशेंट का पेन बहुत कम होता है और रिकवरी बहुत अच्छी होती है वैसे ये देखा गया है कि नाइनटी नाइन परसेंट केसेज़ में दोबारा ये अपिसोड जिनमें हम ये बैड्स न्यूमोथोल का ट्रीटमेंट करते हैं बैड्स ट्रीट करते हैं उनमें ये दोबारा होने के चांसेस लेस देन वन परसेंट रह जाते हैं जबकि अगर सिर्फ चेस्ट यूब डाली जाए तो फिफ्टी परसेंट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये एपिसोड दोबारा भी हो सकता है और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट किसी ऐसी जगह पे हो सकता है कि मे बी वो किसी फ्लाइट में हो जिसमें फ़्लाइट में जाते हुए इसका रिस्क वैसे नहीं बढ़ जाता है या माउंटेंस पे जाए तो उसको ये रिस्क होता है कि वहाँ पे उस पर शायद ये केयर ना मिल सके कि वो इब्ताय तबी इमदाद जो तो कि इस जानलेवा रिस्क के साथ एसोसिएटेड होती है उनके नाम से दूसरी जो इसकी टाइप है वो है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस एमोथॉलिक्स सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस से मुराद आ, वो टाइप है जिसमें पेशेंट के लंग्स पहले से ही डिजीज होते हैं बीमार होते हैं उनकी साख्त कसी कुछ कमज़ोर होती है किसी भी वजह से जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है स्मोकर्स जिनके लंग्स सीओपीडी की वजह से कमज़ोर हो चुके होते हैं अब ये पेशेंट्स थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और इनको इसमें ईजीली मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है अब जो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इनकी एज भी ज़्यादा होती है और फिर हम उनके इन्वेस्टिगेट करते हैं हम इनका सी स्कैन कराते हैं और उसमें हम ये असेस करते हैं कि पेशेंट का जो लंग्स हैं क्या उनका कुछ एरिया डिजीज़ है या वो सारा टोटल दोनों साइड्स इन्वॉल्व है अगर तो पेशेंट का कुछ एरिया डिजीज़ हो इन्वॉल्व हो उनको भी हम वीडियो असट थ्राइसिक सर्जरी से उस पोर्शन को जो पंक्सर्ड पोर्शन होता है उसको रिमूव करके पेशेंट बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है लेकिन अगर टेपड़े टोटली मुतासर हैं उनके ओवरऑल ही साफ कमज़ोर है और पेशेंट के रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं है ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है उसमें फिर आ, वीडियो असट थ्राइसिक सर्जरी की जो ऑप्शन है वो अवेल नहीं की जा सकती तो उनको हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम एक फेस्टिव डाल के फेफड़े को फुलाते हैं और सक्शन की मदद से फेफड़े को अपनी जगह पर वापस डा दें जब पेपड़ा अपनी जगह पर वापस आ जाता है तो एक दवाई जिसको हम केमिकल क्लूडिस कहते हैं वो ट्यूब के ज़रिए इस कैविटी में डाली जाती है वो एक रिएक्शन कॉज करती है जिससे फेफड़ा चेस्ट वॉल के साथ चिपक जाता है प्राइमरी प्रायमरी स्पॉटेनिसमोथॉरिक्स की सेकेंडरी सकेंडरी स्पॉटेस का ट्रीटमेंट डिफिकल्ट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है लेकिन यहाँ हम दोनों ही पी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में दोनों टाइप के निमोथॉरिक्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर और स्किन इंडिसपोटेनियस सेमोथॉरस को भी एक प्रोटोकॉल के तहत ट्रीट किया जाता है और उनकी भी रिकवरी अच्छी होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर होती है अगर आप पी एफ हॉस्पिटल इस्लामाद में मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मैं यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे नाइन टू थ्री पी एम और सैटरडे को नाइन टू टू तो पी एम अवेलेबल होती हूँ और ये तमाम सर्जरीज यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं और हर तरह के जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम यहाँ पे डील कर रहे हैं थैंक यू पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाए और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी ऐसी